इस वक्त हम मौजूद है बुरहानपुर के ग्राम सिवल बाखड़ी के बीच में मौजूद है। पिछले देख सकते हैं ये वही जंगल है जिसको जो है अतिक्रमणकारियों ने तबाह किया था। तबाह करने के बाद में जो है आज देख सकते हैं यहाँ पे जिला प्रशासन द्वारा जो है 4.5 लाख से अधिक जो है पौधे यहाँ पे रोपे जा रहे हैं, जिसके बाद में यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ग्राम वन समितियाँ DFO SP बुरहानपुर कलेक्टर सभी ने मिलकर जो है यहाँ पे 4.5 लाख पौधे जो लगाए और सभी को जो है पौधे वितरित भी किए। क्या कुछ जो है तीनों ही अधिकारियों का कहना पड़ा है, सुनवाएंगे आपको। आज आप सभी का स्वागत है। कृष्ण कृष्ण नागन का उसकी साहब का सिंह साहब का और जितने भी गांव हैं यहाँ से लगे हुए बाकड़ी नागरला सिंगल आमखेड़ा से आए हुए जितने भी सभी लोग हैं, मीडिया के लोग आए हैं, उन सभी का आज यहाँ स्वागत है। ये आप सभी जानते हैं इसका पूरा का पूरा जो क्षेत्र में कटाई हुई थी इसका बैकग्राउंड आप सभी लोग जानते ही हैं। उसके बाद ये मतलब बहुत कम समय में हम लोग ने इस पूरे प्रोजेक्ट को सैंक्शन करवाया भोपाल से और सैंक्शन करने के बाद तकरीबन यहाँ पे 850 हेक्टेयर में जो प्राथमिकता से जो जंगल है जो बिल्कुल ऐसा खेत बन गए हैं उनको सबसे पहले हमने लिया है। अभी तो तकरीबन इस पूरे जो नावला क्षेत्र में तकरीबन 4.5 लाख पौधे लगेंगे अभी। मतलब आज तो हम सांकेतिक तरीके से कर रहे हैं लेकिन ये अगले 5-7 दिन में 10 दिन में तक ये पूरे हो जाएंगे। उसके साथ तकरीबन 30 क्विंटल के बीज में जो हम यहाँ डालेंगे और 30 क्विंटल में अगर हम आप छोटा करेंगे एक बीज है, एक बीज से भी 4 पौधे निकलते हैं सागवान का। तो तकरीबन अगर 30 क्विंटल में तकरीबन मोटा मोटा करें तो 7 लाख बीज होते हैं। तो 7 लाख बीज में से अगर ये 15-20 लाख 25 लाख भी अगर सर्वाइव करते हैं और हो जाता है उतना बड़ा वायबिलिटी होती है तो तकरीबन 20 लाख एडिशनल प्लांट्स ये सीट से आएंगे यहाँ पे। और इस पूरी मुहिम में हम शुरुआत करने के लिए जैसे एक तो ये वाला है यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं और साथ में पूरे बुरहानपुर में दूसरी तरफ बुरहानपुर एरिया है, शाहपुर एरिया में वहाँ पे भी तकरीबन 4.5 लाख पौधे लग रहे हैं। तो पूरे बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट में 9 लाख पौधे लगने हैं और 30 क्विंटल बीज यहाँ पर है और तकरीबन 120 क्विंटल बीज पूरे बुरहानपुर के अलग अलग जंगलों में डाल रहे हैं हम लोग। आप लोग आज यहाँ पर भागीदारी के लिए आए हैं, शुरुआत करने के लिए आए हैं, उसके लिए मैं विभाग बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करना चाहेगा। एट द सेम टाइम हम आपको आपके घर के लिए एक सांकेतिक रूप से आपको पौधा भी आपको गिफ्ट करेंगे कि आप घर में जाएंगे तो एक अपने घर में फलदार पौधा है वो हमने रखा है वो आपको देखेंगे। और अगर आपको और भी पौधों की आवश्यकता हो तो यहाँ पे लोकल हमारे जो नाकेदार साहब हैं उन सबको बता दें तो आपको जो फलदार पौधे हैं वो भी उपलब्ध आपको इस बार इस बारिश के सीजन में हो जाएंगे। इसी के साथ मैं कहता मैडम से आग्रह करना चाहूँ इसीलिए आज तो मतलब अच्छी बात है कि सब लोग जो है वो इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं पेड़ लगाने के लिए। इतना ही क्या मतलब अभी देखा जाए तो मैं सुना है क्या बोलते उसको छोटा बच्चा भी मैं अभी उसको बता रहा था कि कुछ बदमाश लोगों ने जंगल में से पेड़ काट दिए और उसकी वजह से जो है वो जानवर परेशान होके भाग गए। अब हम जा रहे हैं वापस पेड़ लगाने के लिए और जंगल वापस बनाने के लिए। तो वो बोलता है मैं भी एक पेड़ लगाऊंगा। आप सब लोगों को ये ध्यान रखना है आगे जाके कि वो बदमाश लोग मत बनना वापस, ठीक है ना। और कोई अगर बन भी रहा हो तो उसको बनने मत देना। जन भागीदारी का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे पेड़ लगा के चले जाना है, इसका मतलब ये भी है कि उसका संरक्षण भी करना है। जो पेड़ लगा रहे हो उसका संरक्षण भी करो और आगे जाके एक अगर वो छोटे बच्चे से लेके हर किसी को एक ही होता है ना मन में कि भाई पेड़ लगाना चाहिए, जानवरों के लिए जंगल उपयोगी है, आदमियों के लिए सब लोगों के लिए जंगल उपयोगी है। तो ये भावना जो है ये अपने मन में जिंदा रखना और जो जंगल लगा रहे हो आप ही लोग आसपास में रहने वाले लोग हो ये इंश्योर करना इसके अंदर कि ये पूरा के पूरा जंगल बचा रहे और कोई जो है वो उसको काट ना पाए। ये आप लोगों की जिम्मेदारी है, सिर्फ लगाने से जिम्मेदारी खत्म नहीं होगी, उसके प्रोटेक्शन के लिए भी आपको अपने स्तर पे जिस तरीके से हमारे बाकी कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हमारे जिले के अंदर ही उसका एग्जाम्पल है कि घाघरला के लोग खड़े हुए ना जंगल बचाने के लिए, वैसे ही हर गाँव घाघरला बन जाना चाहिए। हर गांव का व्यक्ति जो है वो जंगल को बचाने के लिए आगे आना चाहिए। तो इस चीज को आप सब लोग ध्यान रखिएगा कि आने वाले समय में भी जब हम लोग आज तो लगा रहे पेड़ पौधे
मगर फिर यही अधिकारी घूम फिर के जो बड़े अधिकारी बन के आएंगे ना, यही मैडम जो है वो कमिश्नर मैडम बन के आएगी, यही DFO साहब जो है वो बड़े साहब बन के आएंगे, और हम लोग जो है वो IG DIG बन के आएंगे, तब यहाँ पे आके जरूर देखेंगे कि कितने लोगों ने जो है वो जंगल बचाने में काम किया, लोगों ने जो है वो बदमाशी करी। हम आशा करते हैं कि आप सब लोग अच्छे, मतलब एक जो अच्छी मिसाल है हमारे शहर की, उसको आगे बढ़ाएंगे, और ये जंगल आने वाले 10 साल के अंदर, DFO साहब बहुत बार बोलते रहते हैं कि 10 साल की एक साइकिल होती है करके, तो ये 10 साल की साइकिल के अंदर ये पूरा के पूरा जंगल वापस हरा भरा हो जाएगा। लास्ट एक बात बोलना चाहूँगा कि जंगल काटने के लिए 6 महीने नहीं लगे, जंगल काटने के लिए 6 महीने भी नहीं लगे, मगर अब बनने के लिए 10 साल का इंतजार करना पड़ेगा, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। और वैसे भी फिर आदमी क्या होता है ना कि जंगल से उपयोग चीजें इस्तेमाल करेगा तो सुख शांति से रहेगा, जंगल काटेगा तो उसका खराब काम करेगा तो उसका अंत भी बुरा होएगा, जैसे कि बाकी लोगों का हुआ। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि हमें अच्छे कामों के लिए अपना जो वो एनर्जी लगानी है। आज बारिश में भी सभी लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं और हमारे साथ खड़े होके यहाँ पर पेड़ लगा रहे हैं। तो जितनी भी महिलाएं यहाँ पर आई हैं, सीवन बाकड़ी के और साईपेड़ा के लोग आए हैं, वन बचाव समिति के सदस्य हैं, मीडिया के साथी हैं, हमारे फॉरेस्ट और पंचायत के कर्मचारी हैं, आप सभी के लिए ये दिन भी यादगार होना चाहिए, क्योंकि वो कुछ महीने पहले जो स्थिति यहाँ पर थी, मीडिया को भी पता है कि यहाँ पर मीडियाकर्मी भी आने से घबरा रहे थे, बहुत सारे फॉरेस्ट गार्ड भी यहाँ पर आने से घबरा रहे थे, वो स्थिति आज यहाँ पर नहीं है। और अब आज हम सामूहिक रूप से इकट्ठा होकर यहाँ पे पेड़ लगा पा रहे हैं, बहुत सारे वन समिति के सदस्य यहाँ पर हैं जिनका काम यही है कि कैसे पेड़ों को जंगल को बचाया जाए, और उसी उद्देश्य से आज हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। कुछ दिन पहले मेरे न्यायालय में एक पेशी चल रही थी, उस पेशी में इसी संबंध में एक मामला चल रहा था जिसमें एक साफ उपस्थित हुआ, उसने कहा कि हमने जो है साईखेड़ा के और आसपास के जंगल काटे और जंगल काट दिए हमने, पर हमारे बीच में अभी बातांतर नहीं हुआ है, ठीक है। अभी भी कुछ लोगों के मन में ये दुविधा है, ये सोच है, और ये हमने देखा है सिर्फ यहाँ नहीं बाकी जगह भी होती है कि पेड़ हमने काटा था या पेड़ जितने भी थे जंगल जो था वो हमारे पूर्वजों ने काटा था और अभी उसके बीच में बटांकर नहीं हुआ है, बस ये हमारे पूर्वजों की ही जमीन है या ये हमारी ही जमीन है। तो ये भ्रम सभी के मन से हमें हटाने की जरूरत है, और आज इसीलिए हम यहाँ पे उपस्थित हुए हैं कि जितनी भी कटाई हुई थी इसका कोई बटांकर नहीं होने वाला है, ना ही कोई बटांकर किसी भी अतिक्रमण की माना जाए तो बटांकर होगा। जो पेड़ कटे थे वो वापस से लगेंगे और ये 10 साल बाद जैसे DFO साहब बताते हैं वापस से हरा भरा जंगल होगा, और इस बीच में इन 10 सालों में किसी के भी मन में ये भ्रम नहीं होना चाहिए कि हमने पेड़ काटा था तो हमारी जमीन है वहाँ पे, आपने पेड़ काटा था उसके तो भुगतेंगे, और ये जमीन आपकी नहीं है, ये जमीन जंगल की जमीन है, और जंगल से जो भी उपजाऊ लकड़ी निकलेगी बाकी फॉरेस्ट का प्रोड्यूस निकलेगा वो सब आप उपयोग कर सकते हैं। यही वन बचाओ समिति का भी उद्देश्य है, यही वन ग्राम समिति का भी उद्देश्य है, और जो वन अधिकार की समिति रहती है गांव की उसका भी यही उद्देश्य है, कोई भी आगे का अतिक्रमण ना होने से होने देना, और जो 2005 के बाद जो भी अतिक्रमण हुआ है उसको खत्म करना। फॉरेस्ट विभाग प्रति दिवस इस चीज में लगा हुआ है, और आप सबके माध्यम से भी हम ये सभी को बहुत ही स्पष्ट करना चाह रहे हैं, चाहे वो गड़ताल ही क्यों ना हो, हमारे जिले में धूमपुर इलाके में गड़ताल की कई कुछ जानकारी आई थी कि उनको हमने नल जल योजना से जोड़ा नहीं था, तो हमने जानबूझ के उनको नल जल योजना से नहीं जोड़ा था क्योंकि वो वन अतिक्रमणकारी थे। तो जितने भी वन अतिक्रमणकारी हैं उन सबके लिए यही मैसेज है कि कोई भी सरकारी योजना का आपको लाभ नहीं मिलेगा, और कहीं अगर आपका अतिक्रमण कर दिया है तो अतिक्रमण हटाया जाएगा, वहां पर आपको पानी की, बिजली की, स्कूल की ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं मिलेगी, ना अभी मिलेगी ना आगे मिलेगी। एवं जितनी भी ऐसी जानकारी मेरे संज्ञान में आई है गड़ताल के लिए भी, वो पर्टिकुलर अतिक्रमण वाले इलाके के लिए और आगे के लिए भी, उधर के लिए भी, सब जगह पे हमने पहले से ही हर जगह पे सूचना कर दी कि अतिक्रमण का ही क्षेत्र है। 2023 में ये जानकारी दर्ज हो चुकी है सरकारी कागजों में कि अतिक्रमण का क्षेत्र है, यहाँ कभी भी आगे आने वाले कितने भी सालों में किसी भी प्रकार की योजना का लाभ ना मिले। तो ये तो आप बात स्पष्ट कर दीजिए सभी को, और इसी से हमारा जो उद्देश्य है कि जो जंगल है जो बचना चाहिए वो हमें बचाना है, और जितने भी वन समिति के सदस्य हैं
आपको भी आगे जाके, अभी तरह नए जवान लड़के यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, आपको भी अपने बच्चों को आगे जाके यही बताना है कि बच्चों हम यहाँ पर जब थे 2023 में, तो हमने यहाँ पे पेड़ लगाया था, हमने ये जमीन का अतिक्रमण नहीं बांटा था अपने बीच में, यहाँ पेड़ लगाया था और तुमको भी यही पेड़ को ही आगे बढ़ाना है, किसी को यहाँ पे काटने नहीं देना है। और जितनी भी महिलाएं हैं उनको भी अपने पुरुषों को और अपने परिवारों को यही समझाना है कि नहीं, ये जो कटा था वो वापस उपजाऊ जंगल के रूप में आ चुका है, ये किसी की भी भूमि नहीं है, ना टूटिंग की है, ना रेसिंग की है, ना फलाने की है, ना किसी की है, जितने भी लोग हैं किसी की भी भूमि नहीं है, ये जंगल की भूमि है, इसमें से जो सामान निकलेगा वो हमारे बीच में आएगा, पर जमीन किसी के बीच में नहीं बटेगी। ये आप आज सभी को स्पष्ट कर दीजिएगा और बहुत अच्छी बात है कि आप सब आज उपस्थित हुए हैं, एक एक पेड़ कहाँ कहाँ लगा रहे हैं देख के रखिएगा, इसको ही हमको आगे बता रहे हैं। थैंक। इस वक्त हमारे साथ में बुरहानपुर कलेक्टर भवन मित्तल जी हैं, मैम से बात कर लेते हैं। मैम, किस तरीके का कार्यक्रम आयोजित हुआ है? जी, ये बाकड़ी का साईखेड़ा बीट का वही इलाका है जहां पर आज से 4 महीने पहले अतिक्रमण किया गया था और यहां पे ट्रैक्टर चलाने की कोशिश की गई थी और इसको खेती के रूप में बदलने की कोशिश की थी, और बगल में ही जो इलाका जो KGF के नाम से जाने लग गया था वहां पर लोगों ने अपने टीले बना के, टीले पे टीपड़े बनाकर रहने लग गए थे। अब उसी क्षेत्र में हम आज यहां पर सभी लोग उपस्थित हुए हैं एवं ग्राम वन अधिकार समिति के लोग, जिनके ही परिवार के कुछ लोगों के द्वारा अतिक्रमण किया गया है, वो खुद ही यहां पर आके अपने पेड़ लगा रहे हैं और इनको संरक्षण करने का हमको वादा भी दिया है और आगे आने वाले उनकी जो भी पीढ़ियां हैं वो भी इसका संरक्षण करेंगी। सभी को एक एक पौधा भी जो दिया गया है? जी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा सभी को घर पे भी लगाने के लिए एक पौधा दिया गया है और आज हमने ये स्पष्ट कर दिया है कि ये कभी भी ना माना जाए कि क्योंकि आपने यहाँ पे पेड़ काटे थे तो आपके इसके बीच में बटांकन होगा या आपके पूर्वजों के द्वारा ये जमीन अब उनकी हो गई है, ये जमीन वन विभाग की है और ये जंगल के रूप में ही आगे से रहेगी। शुक्रिया मैम। तो ये बुरहानपुर कलेक्टर भवन मित्तल जी से हमने बात की, क्या कुछ इनका कहना पड़ा हमने आपको बताया। इस वक्त हमारे साथ में बुरहानपुर SP साहब है, हम बात कर लेते हैं। सर ने जो है इनके प्रयासों से जो है जंगल साफ हुआ है और जंगल को जो अतिक्रमण जो जिन्होंने किया था उनको गिरफ्तार करके कार्रवाई की और आज यहाँ पे जो है पौधारोपण किया गया है। सर से बात कर लेते हैं, कैसा क्या लग रहा है आज जो जंगल काटे गए थे वहीं पर ही जो है पौधे लगे? बिल्कुल, जहाँ पे जो अतिक्रमण था वहाँ पर अब जो है नए पौधे लगाने का काम चल रहा है और पूरा प्रशासन, पुलिस अमला, फॉरेस्ट का अमला, हम सब लोग मिल के ये प्रयास कर रहे हैं कि जंगल जो है, वन जो है वो पुनर्जीवित हो और आगे आने वाले भविष्य में जिन लोगों ने इसमें तबाही मचाई है वही लोग उसके संरक्षक के रूप में भी आगे आए और उनको इसका महत्व भी समझे। तो ये SP साहब जिनसे हमने बात की, क्या कुछ इनका कहना पड़ा हमने आपको बताया। इस वक्त हमारे साथ में बुरहानपुर की DFO साहब पे बात कर ले। सर, यहाँ पे पौधे लगाए जा रहे हैं और आपने बताया 4.5 लाख पौधे लगाए जाएंगे। टोटल 4.5 लाख पौधे लगेंगे पूरे घाघरला एरिया में, जिस जगह पे पूरी जितनी कटाई हुई है उसको कॉम्पनसेट करने के लिए यहाँ पे लगाए जा रहे हैं। क्या लगता है, जो जंगल तबाह हुआ था और अब वापसी विकसित हो रहा है, तबाह हुआ था उसको पुनर्निर्माण कर रहे हैं और पूरा जिला प्रशासन, पूरा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सभी लोग इसमें सहयोग कर रहे हैं, मीडियाकर्मी भी सहयोग कर रहे हैं, आपकी तरफ से भी सहयोग हो रहा है, गांव वाले सभी लोग यहां पे इस अच्छे काम के लिए आज शरीक भी हुए हैं, शुरुआत के लिए, आगाज़ करने के लिए प्लांटेशन का। तो मुझे लगता है कि जन सहयोग से, उनका कोऑपरेशन से ये काम काफ़ी अच्छा काम हो भी जाएगा और गांव वाले भी इस समय उनको समझ में आ गया है कि जो कटाई करके वो अतिक्रमण करके उनको लग रहा है कि वन अधिकार मिलेंगे वो नहीं, उनको पता चल गया कि नहीं मिलेगा इस तरह का। शुक्रिया सर, थैंक यू। तो ये DFO साहब तो जिनसे हमने बात की, क्या कुछ इनका कहना पड़ा हमने आपको बताया। तो सुना आपने क्या कहा, बुरहानपुर SP, बुरहानपुर कलेक्टर, बुरहानपुर के DFO, हमने आपको बताया। इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे BNC के साथ BNC मीडिया के लिए। मैं दानिश रजा खान।